सीट से श्रीमान रामेश्वर राय यादव जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के केंद्रीय सदस्य हैं और कई विभागों में आप पूर्व मंत्री रहे हैं, वे भी उपस्थित हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में श्री चंद्रपाणी खनाल बलदेव जी, जो सचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के माओ सेंटर, जो पूर्व चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं प्रधानमंत्री के, उनका भी मैं आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में श्री सुरेश कुमार राय जी उपस्थित हैं, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के और पूर्व में आप सांसद रहे हैं। ऐसे राय साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर विजय चौथाई वाला जी उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। मेरा निवेदन श्रीमान आदित्य कोठारी जी से, हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में श्री नकुल भारद्वाज जी हैं, जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विभाग के, उनसे भी निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हम सबके बीच हमारे परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री, और जिनका पूरे समाज को लगातार सहयोग, आशीर्वाद और साथ मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय गणेश जोशी जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आदरणीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में आज विभिन्न जो अपने गोरखाली समुदाय के संगठन हैं, उनसे उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं यहाँ। मैं सर्वप्रथम श्री पदम सिंह थापा जी, जो अध्यक्ष हैं गोरखाली सुधार सभा के, उनको निवेदन करता हूँ कि वे आए और मंच पर पुष्प गुच्छ देकर श्रीमती पंफा घोषाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी से कि वे पुष्पगुच्छ से श्रीमती पंपा भूषाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। से जो शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग जी के फादर हैं, उनसे निवेदन कि वे आए और रामेश्वर राय यादव जी का स्वागत करें। खाली महिला हरी तालिका तीज समिति से उनसे निवेदन कि वे आए और श्रीमती सत्या पहाड़ी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पंचायत सदस्य रही हैं, वे आए और श्री आदित्य कोठारी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। वे भी आए और श्री सुरेश कुमार राय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राय
उनसे निवेदन कि वे आए और श्री नकुल भारद्वाज जी का स्वागत और अभिनंदन करें। को अपने आप में संबद्ध करते हुए तो मेरा निवेदन सभी को मैं अपने में संबद्ध कर रहा हूँ और पूरे मंचा सिंह का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करने के लिए और ऐसे कार्यक्रमों में आने के लिए मौके बहुत कम मिलते। इतना सुंदर मंच सजा है और यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी एक सांस्कृतिक प्रस्तुति है, वो लोग मेरा निवेदन आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी से कि वे आए नेपाल में इरिगेशन को ये तो कमी शिव जी पंपा उचार्य जी श्री रामेश्वर राय यादव जी श्री चटपुड़ी खनाल बलदेव जी श्री सुरेश राय जी श्रीमती सत्या पहाड़ी जी श्री नकुल भारद्वाज जी जो कार्यक्रम को संयोजक हमरो बीजेपी को महामंत्री आदित्य कोठारी जी आप सबके नाम लू यहाँ सामने बैठे जो बहुत हो जाएगी लेकिन अध्यक्ष जी का नाम नहीं देता हूँ जो हमारे गोपाल जी को अध्यक्ष पद लगे और मैं उनको ठाम ठाम बुढ़े बुढ़े को दीदी बड़ी दादी और पंपा दीदी सन राय सन ये तो लगे थे आप लोग क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीब 27,500 से अधिक गोरखा वोट है और चार बार में गली हो गया हूँ, तीन बार इस क्षेत्र से हुआ और लखनऊ क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है मुझे नहीं गोरखा दी इसमें गोरखा दी माया और मुझे जब जी का आदेश हुआ शायद दो तीन दिन पहले मेरे आवास पर आए थे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे नेपाल का चिन्ह यहाँ पर आ रहा है और मैंने आज सुबह दिल्ली जाना था तो मैं भी काम मैं उनका स्वागत करने के बाद चले जाऊंगा। दिल की गहराइयों से आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ कि भारत का और नेपाल का रोटी बेटी का मुझे करवा गया मुझे अपना ख्याल मुझे स्टाफ को दिया तो पर मैं कहूँगा कि पहले एक मास अगर हिंदू राष्ट्र था तो नेपाल और मुझे जब वहां पर गया तो नेपाल देखी एक प्रतिनिधिमंडल में देहरादून में अनुभव वहाँ लेगा अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ पूरा उत्तराखंड को गोरखा समुदाय के तरफों का। मेरे नाम सूर्य किशोर साई है, मेरे से हमी गोरखा ट्रैम्पेट फ्रंट राजनीतिक पार्टी का तो चलाए गया हूँ मधेश अध्यक्ष यदि बंदे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भक्त सुखिना सर्वे संतरिया मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुष्टवान् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति भवतु। और लाभम न जगत्ता मन्दे मोन कालिन्यां फोडे सुधि पुजे सायुक्त जाने हो नम्बर स्थान त्यागेर नेपाल आउनु भएको मैले पहिले ढुङ्गी नेपाल हो पढाइ लेखाइ मेरो सबै भयो म भारत केही वर्षै यहीँ देहरादुनकै पढाइ हो अनि डिएभी कलेज महाविद्यालयमा पढ्दै पढ्दै म अहिले यहीँ छु र हाम्रो एउटा संस्था छ सबभन्दा ठुलो संस्था अब आफ्ना आफ्नो ठाउँमा सबै संस्था ठुला ठुला छन् त्यसमा पनि गोर्खा सुधार सभा लगायत सबै संस्थाहरूमध्ये एउटा संस्था भारतीय नेपाली भ्रमण समिति भनेर हामीले चलाएका छौँ नवम 40 समिति भयो र यही संस्थाको मैले अहिले अध्यक्षको रूपमा नाम गर्दछु।
मेरे साथमा अरु सदस्य उपाध्यक्ष महानिर गाउँ सदस्य सूक्ष्म रखेंगे क्योंकि मंच के पास समय का अभाव है। एक बार नाम और अपना पद का परिचय। मेरा नाम राधा देवी, मैं ग्राम की बेटी से गुरु प्रधान सर दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सब लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का नेता का और देहरादून उत्तराखंड को देहरादून बस्ने मुख्य कारण गोर्खा समुदाय का दीदी बहनी दाजू भाई तथा उपस्थित संपूर्ण मान्यजन नमस्कार अभिवादन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपालको पार्टीका प्रतिनिधिमण्डल, भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डाजीको निमन्त्रणामा भारत आएका हौँ। हामी भारतीय जनता पार्टीको बारेमा बोल्ने अनि हाम्रा दुईटा देशका दुईटा पार्टीको बिचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने, दुवै देशका जनताको आपसी सम्बन्ध राम्रो बनाउने र दुवै देशका राष्ट्रको राम्रो सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यले हामी भारत भ्रमण आएका हौँ। दुई वर्ष जस्तो पहिला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड उहाँ हुनुभएको दोस्रोचोटि हामी आएका छौँ त्यही सम्बन्धको निरन्तरतामा। र दुई महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेर दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा राम्रो छलफल र नेपालको विकासका निम्ति धेरै क्षेत्रमा भारतको सहयोगका निम्ति चाहिँ सम्झौता भएको छ। अब त्यसको कारण हुने कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ। भूगोलले मात्रै होइन, धर्म, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक सबै हिसाबले परापूर्व कालबाटै नेपाल र भारत असाध्यै नजिकका मित्र हुन्। अहिले पनि हामी खुला परार भएको दुईवटा राष्ट्र हौँ जसको बिचमा असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ। हामी दुई दिन दिल्ली बस्यौँ र भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय मान्य अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्ष सहित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसित छलफल गऱ्यौँ, उनका क्रिया गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी उत्तराखण्डको यो भ्रमणमा हिजोदेखि आयौँ। हिजो हामीले तिहारी जिल्ला र यसका माधवका ऋषिकेशका धेरै क्षेत्रसित बसेर छलफल गऱ्यौँ। आज हामी माननीय मुख्यमन्त्रीजीको स्वागत र अन्तर्क्रियामा बस्छौँ। यहाँको भारतीय जनता पार्टीको सरकार त्यसका मुख्यमन्त्री पुष्कर धामीजीले यो क्षेत्रको असाध्यै राम्रो विकास गरेर हामीले पायौँ। हाम्रो नेपालको जस्तै पहाडी भूभाग कृषिमा आधारित भएको त्यो क्षेत्रको विकासका निम्ति उहाँले बडो नमुनायुक्त काम गर्नुभएको हामीले देख्यौँ। आफ्नो भद्रता छोडेर यता सम्मर ठाउँतिर आइसकेका जमिन बाँझो भएको कुरामा पनि उहाँले फेरि एकीकरण गरेर लिजमा लिएर सहकारी मार्फत फेरि अलिक आधुनिक तरिकाले खेती गरेर भरपुर उपयोग गरेको। त्यसपछि घाँसपात गर्नुपर्ने मुख्य गरेर दिदी बहिनीको काम हुन्छ, एकदम भिर पहरा रूपमा त्यसको समाधान चाहिँ फेरि तलपट्टि मकै खेती गरेर त्यसलाई घाँसको रूपमा प्रयोग गरेर अनि अनुदान दिएर सब्सिडी दिएर फेरि सस्तोमा किसानले आफ्ना गाई वस्तुलाई घाँस खुवाउन सकेको असाध्यै राम्रो नमुना देख्यौँ हामीले। त्यसपछि पर्यटकीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले नेपालको पशुपति
अनि यहाँ चाहिँ केदारनाथ बद्रीनाथ अनि मानसा खण्ड यसको विकासले पर्यटनको क्षेत्रबाट पनि असाध्यै ठुलो विकास गरेको हामीले पायौँ। र मानसा खण्ड चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेपालको सुदूरपश्चिमसित जोडिएका थुप्रै तीर्थस्थलसित जोडिएको त्यसित एउटा सर्किट बनाएर विकास गरेर जाँदा नेपालमा पनि त्यसको धेरै राम्रो प्रभाव पर्ने, पर्यटकहरू जाने र नेपालको आर्थिक विकास हुने अनि भारत नेपालको जनता र राष्ट्रबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुने कुरा पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो हामीलाई यहाँको मुख्यमन्त्री यहाँको सरकारले गरेको कामको। त्यस्तै केन्द्रमै पनि सामान्य मोदीजीको नेतृत्वमा भारतले गरेको विकास, 300 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूले शासन गरेका उपनिवेश चलाएको, हामी त्यही बेलादेखि गोर्खा रेजिमेन्ट भनेर त्यो ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनपछि यहाँ गोर्खा रेजिमेन्ट बन्ने अनि भर्ती हुन आउने र अब यहाँहरू यतै बसेर आफ्नो प्रतिनिधि आन्दोलन पटक पटकका भारतीय राष्ट्रमाथि आएका है परेका चुनौतीसित मैले आदरणीय गुरुङ सरमा भेटेँ, जस्तै आफ्नो छोरा नै यहाँ सहिद हुनुभएको छ भनेर सहिद पिताका रूपमा यो ढङ्गको भूमिकाले नै अहिलेको विकसित भारत र अब कर्मशः 5/4/3 पनि भारत जानेछ। यो जानु भनेको हामी नेपालीको पनि विकासमा हाम्रो साझेदारी हुनेछ, नेपाल पनि विकसित हुनेछ हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले हामीले अहिले भारतीय जनता पार्टीको सङ्गठन अनि जनताको सेवा गर्ने कुरा, सरकारले जनताका आवश्यकतालाई पहिचान गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई बडो नजिकबाट हामीले केन्द्रमा पनि र यहाँ आएर उत्तराखण्डमा पनि हामीले त्यो कुरा बुझ्न पायौँ। र अझै हाम्रो पार्टी पार्टी बिचको, जनता जनता बिचको र राष्ट्रको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुने हामीले एउटा भरपर्दो आधार अझ सुदृढ भएको महसुस गरेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता र सिङ्गो भारत राष्ट्र सांस्कृतिक भावना, सामाजिक भावना, धार्मिक भावना, संस्कार, सुखमय होस्, यहाँहरूको पारिवारिक जीवन पनि सुदृढ होस्, यहाँहरूको सामाजिक योगदानले एकदम उत्कृष्ट नमुना कायम गरोस् र भारतको उन्नति प्रगतिमा पनि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान होस्। यहाँहरू नेपाल आउनुहोस्, घुम्न आउनुहोस्, देख्न आउनुहोस् अनि चिने जानेका क्षेत्रको सम्बन्धलाई निरन्तर कायम राख्नुहोस्। यसले देश देश विश्व पनि हुन्छ, जनता विश्व सम्बन्ध पनि सुदृढ हुन्छ। हामीले कुटनीतिक ढङ्गले एउटा देशको राजदूत अर्को देशमा जाने कुरा छ, दिल्लीमा नेपाली राजदूतावास छ, काठमाडौँमा भारतीय दूतावास छ, तर यहाँहरू पनि सबै यता र उताको जनस्तरको राजदूत हुन सक्नुहुन्छ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुनुहोस्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। मान्य अतिथिगणहरू, तपाईँहरू यहाँ हाम्रो माझमा आउनुभयो, हामीलाई साह्रै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले त विभिन्न क्याटेगोरी भनौँ, मिनिस्ट्रियल लेभल, स्टेटको क्याबिनेट लेभलमा सबैसँग कुराकानीहरू गर्नुभयो, के भन्छ कुरा मिलाउनु भयो होला। त्यहाँको त्यो हजुरको इम्प्रेसन कि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ नि अब चाँडै नै, त म एक त हाम्रो आफ्नो तर्फपट्टि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। हामीलाई उम्मिद छ कि अर्को पालि अलि लामो समय आएको हुन्थ्यो। अब यहाँ देहरादुनमा हामीहरू धेरै टाइमपट्टि बसोबास थियो, धेरै टाइम भनेको 200 सालभन्दा पनि बढी, किनभने यहीँ बलभद्रमा लडाइँ भयो, त्यसको पछि फेरि गोर्खापल्टन खडाए, गोर्खापल्टन सबभन्दा पहिले एउटा रेजिमेन्ट यहीँ भयो, अर्को अल्मोडा, अर्को धरमशाला। त्यसले गर्दा अब हाम्रो मान्छेहरू यहाँ धेरै जस्तो यहीँकै बासिन्दा भएका छन्। अब हामीलाई आफ्नो मान्छेहरूको त चिन्ता छैन, यहाँ त हामीहरू उत्तराखण्डी भइहाल्यो, भारतवर्षीय भइहाल्यो। हामीलाई प्रब्लम कति के आएछ भने हामीहरूको प्रब्लम
कि धेरै मान्छेहरु यो 1950 सन्धिको मुताबिक मान्छेहरु आवागमन भइरहन्छ त्यो हुनाले धेरै मान्छेहरु यहाँ आएर बसोबास गरेछ उनीहरुलाई नागरिकता पाए छैन त्यसले गर्दा यहाँ कुनै प्रकारको पनि गभर्नमेन्ट जब यताउति पाउन सक्दैन त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो प्रब्लम हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीहरूलाई अलिकति विश्वास पनि रहन्न कि भाइ भोलि हामीहरूको भविष्य के हो किनभने अब कहिले सुनिन्छ कि भाइ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी आयो कहिले भन्छ अरू पार्टी आयो कहिले भन्छ अरू पार्टी हामीलाई त चिन्ता छैन जेतुकै पार्टी हो हामीलाई त उम्मिद छ कि भाइ भारत नेपाल हाम्रो पुरानो रिश्ता नाता छ हामीलाई के प्रब्लम भइरहेको छ भने यहाँ पनि मान्छेहरू जान्छ अलिकति उतातिर के कारण हो हामीले सिर्फ विचार मात्रै गर्न सकिन्छ पर थाहा छैन कि भाइ एन्टी इन्डिया फिलिङ बढी आउँछ अरू मान्छेहरूलाई त फरक पर्दैन अब हाम्रै अब हामीहरू यहाँ बसोबास भइदिए पनि हामीहरूको रिश्ता नाता त उहाँ छ उहाँ जाँदाखेरि अब म के भन्छ अरे तिम्रो चाहिँ इन्डियाको हाम्रो त इन्डियासँग केही गर्ने होइन भन्ने सानो सानो कुराहरूले हामीहरूलाई अलिकति हाम्रो जो यो सम्बन्ध छ त्यसमा अलिक खटास नआओस् त्यो खटास आउने बित्तिकै फेरि उहाँको मान्छे ढुक्कै छ यहाँको मान्छे अब खटास आउने मतलब त्यही हो कि भाइ हामीले सुन्न आयो चाहे यो अग्निवीर भर्तीको लागि होस् या केहीको लागि होस् प्रचण्डज्यूले पनि अब राम्रो तरिकाले भनेन कि भाइ हामी अब मान्छेहरू पठाउँदैनौँ र त्यस्तो भइदियो भने अगर यो 1950 यो सरी यो हाम्रो 1950 जो ट्रिटी छ त्यो अलिकति खतम भइदियो भने हामी सबै विदेशी भइहाल्छौँ कहाँ के गर्नु त्यस्तो सानो कुराहरू छन् त्यो अगर तपाईँहरूले अलिकति ख्यालमा राखेर हाम्रो विचार हाम्रो लागि पनि सोचिनु भयो त हामी पनि अलिक ढुक्कै गराउनु आती है उससे ज्यादा भाव समझ में आया और आपके जो मन का भाव है वो प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन का भाव है क्योंकि जहाँ की जहाँ से हमारा इतना गहरा नाता हो वहाँ पर संबंध हमेशा मधुर बने रहने चाहिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे इस भाव के साथ हम प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि बिना वहाँ जाए हमारा काम पूरा नहीं हो सकता तो ये भाव लगातार हमेशा बना रहना चाहिए और मैं मंचा सिंह को थोड़ी सी अपने देहरादून के बारे में बताऊं तो हमारा देहरादून एक अगर हम नॉर्थ इंडिया का देखेंगे तो सबसे सभ्य और सबसे पढ़ा लिखा और सबसे शांतिप्रिय शहरों में से है और हम देहरादून जिस जिले में आप बैठे हैं यहाँ पर 5 MLAs होते हैं 5 MLAs में से 3 MLA ऐसे हैं जैसे माननीय गणेश जोशी जी ने बताया उनके यहाँ 27,500 वोट है हमारी धर्मपुर विधानसभा है उसमें लगभग 12,000 के आसपास वोट है और रायपुर विधानसभा है वहां पर भी लगभग 12,000 से 13,000 वोट है तो ये हमारे देहरादून में की डेमोग्राफी मैंने आपके सामने रखी और कहीं ना कहीं इस देहरादून की सुंदरता में इस समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा आप सबके यहाँ साथ रहने से एक बहुत सुंदर भावना बनी रहती है एक छोटी सी सांस्कृतिक प्रस्तुति हमारी सांस्कृतिक टीम थोड़ी सी लेट हो गई पहुंचने में और मैं समझ रहा हूं आपकी फ्लाइट भी है लेकिन हम समय आपसे बिल्कुल कैलकुलेटेड है 4:05 हो रहा है 5 मिनट की जान्छ
और हमरो
यस्तै हाम्रो 14-15 संस्था छ किनकि समयको अभाव छ म मिनटमा पढिदिन्छु बलभद्र खलङ्गा विकास समिति गोर्खाली महिला हरितालिका तीज वीर गोर्खा कल्याण समिति ऑल इंडिया गोर्खा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ऑल इंडिया पूर्व उज्ज्वल भविष्य कोष भारतीय गोर्खा परिसंघ उत्तराखंड नेपाली राज्य भाषा समिति गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रंट गुरुङ समाज भारतीय मगर समाज लिम्बू समाज और हाम्रो धाम छाउया रेडियो नेपाली च्यानल पनि छ जो हाम्रो ब्रिगेडियर गुरुङ दाजी वहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ और हाम्रो भारतीय नेपाली ब्राह्मण समाज जो अध्यक्ष हाम्रो पंडित शालिग्राम शास्त्री जी और पंडित माधव प्रसाद मरासी जी यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ और यहाँ उपस्थित हाम्रो आचार्यगण प्रधानगण सबै बुद्धिजीवी वर्ग जो हाम्रो समाजको लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको छ और हाम्रो नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिन्दू सनातन धर्मले गर्दा किनकि माता सीताजी हाम्रो वहाँ जनकपुरीदेखि हाम्रो अयोध्यादेखि जब रामको बरात गयो र हाम्रो त्यो सम्बन्ध हाम्रो छ त्यो सम्बन्ध त अझै मिठो किनकि हामी धार्मिकबाट हामी जोडेको छु और यो अझै मिठो होस् अझै राम्रो होस् किनकि नेपालबाट बहुत सा हाम्रो महानुभाव देहरादूनमा बसोबास गरेको छन् और नेपालबाट देहरादूनको छोरी बेटीहरू वहाँ गएको छ त जो एक दुई जो हाम्रो समस्या छ अगर केन्द्र नेतृत्व रहला त हामीलाई त्यो पनि हाम्रो दूर होला और हजुरहरू आउनुभयो म हजुरहरूको हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दैछु और यहाँ हजुर हाम्रो एक फोन निमन्त्रणमा यति हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हजुरको पनि म हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै गोर्खा समाज किसी पहचानको मोहताज छैन किनकि गोर्खा समाजले आफ्नो एकता वीरता अदम्य साहसले आफ्नो जो स्थान बनाएको छ ऊ पुरा विश्वमा विख्यात छ चाहे ऊ आर्मीमा होस् हाम्रो चिफ अफ जनरल मानेक शाहले भन्नुभएको थियो कि यदि कोही कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता वह या तो झूठ बोलता है या वो गोर्खा है कि हमें गोर्खा समाज में छू गोर्खा समाज में रही अपनो गोर्खा समाज को हित को लाकी भारतीय जनता पार्टी संग जुड़ी रह निरंतर कार्य करी रहे को छू और हम लोग अरे मैं क्षमा चाहूंगा हम लोग विधायक जी हम लोग अन्य मंत्री उन्होंने तो हमने वहां लाई अले श्री गणेश जोशी जी क्या वहां लगातार हमरो मसूरी विधानसभा को पहला राजपुर को विधायक हुनुहुन्थ्यो लगातार तीसरा बार उनी हाम्रो विधायक छन् अहिले उत्तराखण्ड सरकारमा मन्त्री छन् उहाँको निरन्तर जो समाज हाम्रो गोर्खा समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि जति प्रयासरत हाम्रो पार्टीमा गणेश जोशीजीको छ सायद मलाई यो भन्नमा केही अतिशोक्ति छैन कि यो गलत बात होइन उहाँले हमेसा अगाडि बढाउनको लागि निरन्तर प्रयासरत रहन्छन् और यहाँ पनि हाम्रो चाहे वो हाम्रो गोर्खा समाजमा हाम्रो गोर्खा कल्याण परिषदको माध्यमले हाम्रो दुईटा राज्य मन्त्री यहाँ बस्नु भी भएको छ ब्रिगेडियर हाम्रो पिएस गुरुङजी और आदरणीय भोटिया जी त यति भन्दै हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको जो मान सम्मान हामीलाई दिएको छ हामी धेरै धेरै आभारी छु र हजुरहरूको स्वागत गर्दै हाम्रो वक्तव्यलाई समाप्त गर्छु बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और सभी को इस हॉल के पीछे जो हॉल है इसमें जलपान की व्यवस्था है सभी को जलपान के लिए आमंत्रित करता हूं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्री मा श्री हा।
पनि खोला लम्जुङ हिमाला मेरो माया मनभित्र समाला धोदी खोला लम्जुङ हिमाला मेरो माया मनभित्र समाला ए मेरो माया मनभित्र समाला।